सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं आज लेके आई हूँ आप सभी के लिए नई रेसिपी। तो रेसिपी में हम बनाएंगे भिंडी की सब्जी। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। ये रेसिपी शुरू करते हैं। तो रेसिपी में हम बनाएंगे आज भिंडी की सब्जी। तो भिंडी की सब्जी आपने बहुत खाई होगी, आज मैं अलग तरीके से बनाऊंगी। सबसे पहले हम भिंडी को काट लेते हैं, धो के हमने रख दिए हैं। अब हम भिंडी को काट लेते हैं। तो इस तरीके से काटना है भिंडी, इस तरीके से कैसे काटना है इस तरीके से, ज्यादा छोटी भी नहीं काटनी, बड़ी भी नहीं। तो भिंडी को हमने काट लिया है बड़ी साइज में। जो छोटे वाले हैं वो हमने ऐसे ही रखे हैं, जो बड़े हैं उनके दो हिस्सा कर रखा है। तो इस तरीके से काट रहे हैं भिंडी को। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो कढ़ाई हमारी गर्म हो गई, इसमें हम तेल डालते हैं। तो सब्जी के लिए हमने मसाला तैयार करा है। टमाटर का हमने ग्रेवी बना रखा है, प्याज के भी ग्रेवी बना रखा है, दो हमने हरी मिर्ची रखे हैं, दो हमने तेज पत्ते रखे हैं। तो लहसुन और अदरक का हमने पेस्ट बना रखा है। तो सबसे पहले हम भिंडी को फ्राई कर लेते हैं। तो भिंडी को हम फ्राई कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं आप सबको कैसे इस तरीके से भी बना सकते हो भिंडी की सब्जी तरी वाली। तो भिंडी हमारे फ्राई हो गए हैं, इनको हम अब निकाल लेते हैं। देखिए अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो इसमें हम डालते हैं दो तेज पत्ते, मसाला बनाते हैं। एक चम्मच डालते हैं जीरा, छोटे चम्मच से मिर्ची डाल देते हैं, इसमें हमने जीरा लगा दिया है। इसमें डालते हैं प्याज, हमने पेस्ट बना रखा है। तो इसमें हम प्याज लहसुन और अदरक का पेस्ट भी डाल देते हैं। तो हम अच्छे से भून लेते हैं प्याज को। तो प्याज हमारा ब्राउन हो गया है, इसमें हम डालते हैं टमाटर। देखिए अच्छे से हो गया ब्राउन। तो इसमें हम अब डालते हैं टमाटर का पेस्ट। तो इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे मसाले को। इसमें डालते हैं हम हल्दी आधी चम्मच और ये मसाला
और उसे भून लेते हैं। तो मसाले हम अच्छे से भून लेंगे तभी हमारी सब्जी अच्छी बनेगी। तो इस तरीके से बना के देखें, बहुत अच्छा बनता है ग्रेवी वाली, क्योंकि कितने लोग पसंद नहीं करते, भिंडी की सब्जी सूखी हो जाती है तो इसके साथ तरी वाली सब्जी चाहिए, क्योंकि हम कभी भी भिंडी की सब्जी बनाते तो सूखी हो जाती है, तो तरी वाली सब्जी उसके साथ जरूर चाहिए। और भिंडी भी इस तरीके से बनाओगे तो तरी वाली बन जाती है। तो मसाला हमारा अच्छे से भून गया है, इस तरीके से भूनना है मसाले को। मसाला अच्छा बनाओगे तो सब्जी भी टेस्टी होगी। तो इसमें डालते हैं हम थोड़ा पानी। हमने नमक नहीं डाला है, नमक डाल देते हैं। स्वाद अनुसार लाल मिर्च नहीं डाले हैं, एक चम्मच डाल देते हैं लाल मिर्च। मिर्च आप अपने हिसाब से रख सकते हो। तो देखिए मसाला हमारा बन गया है, इसमें हम आप बनाते हैं ग्रेवी। तो इसमें हम ग्रेवी बनाते हैं। तो ग्रेवी हमारा बहुत अच्छा बना है, पानी आप अपने हिसाब से बनाया है, ज्यादा गाढ़ा भी नहीं ज्यादा पतला भी नहीं, इसी तरह से बनाओगे बहुत अच्छा बनता है, नहीं भी स्वाद है। तो इसको हम थोड़ा उबलने देंगे ग्रेवी को। तो ग्रेवी हमारी उबल गई है, इसमें हम डालते हैं भिंडी जो हमने फ्राई करके रखे हैं। तो भिंडी हमारे अच्छे से पके हैं, हल्का से पकाने हैं, देखिए पक गए अच्छे से तेल में। तो अब हम इनको डाल देते हैं इसमें ग्रेवी में। तो इस तरीके से बनाओगे, बच्चे बहुत खुश होके खाते हैं, पसंद भी करते हैं। तो एक बार बना के देखें। क्योंकि भिंडी तो हमारे पक चुके हैं, मसाला भी पक ही गया है, एक उबाल और आने देंगे, उसके बाद सब्जी हमारी तैयार। तो फिर दिखाते हैं आप सबको कैसी हमारी रेसिपी बनी है। तो देखिए बहुत अच्छा हमारी रेसिपी बन के तैयार हो गई है। तो इस तरीके से बनाना एक बार जरूर, अपने फैमिली को खिलाना, कमेंट में बताना कैसी हमारी रेसिपी बनी है। रेसिपी बन के हमारी तैयार हो गई है, एक बार जरूर बनाए इस तरीके से। तो अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले नई रेसिपी के साथ।